किरण पब्लिकेशन का किताब आया है जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए सेट है, मैथ 20 सेट है, उसी को सॉल्व किया जा रहा है इस चैनल पे। बीपीसी टीचर भर्ती को निकालने के लिए, तो इस वीडियो में हम मॉडल सेट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, मैं गणित के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखेगा पति पत्नी की औसत आयु और बच्चे की औसत आयु 27 साल है 3 साल पहले, और पत्नी और बच्चे की 20 साल थी, तो पति की वर्तमान आयु क्या है ये निकालना है। तो देख सकते हैं पहले उस समय कितना था, पति पत्नी और तीन, मतलब तीन लोगों की औसत आयु इतनी थी, तो तीनों का एक तरह से पूरा एज कितना हो जाएगा, मतलब तीनों लोगों का एज का सम जो होगा ना, पति पत्नी और बच्चे का सम हो जाए इतना, मतलब 81 होगा टोटल सबका एज को जोड़िएगा, तो उस समय 3 साल पहले, और बच्चे को जोड़िएगा और क्या दिया, पत्नी और बच्चे के औसत आयु 20 साल है, मतलब कि पत्नी और बच्चे के औसत जोड़िएगा एज को, तो कितना आ जाएगा 2 × 20 मतलब 40 आ जाएगा दोनों ये लोगों के एज का उम्र का जोड़ योग। तो बच गया कौन, पति, तो पति का उस समय कितना उम्र था 41 साल, मतलब 81 − 40 41 साल था, अभी कितना हो जाएगा 41 + 3 = 44 इसका आंसर हो जाएगा। एक आयताकार मैदान की एक भुजा की माप 4 मीटर है और उसके विकर्ण की लंबाई 3 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक ना। आपको देख सकते हैं एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक भुजा मतलब कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसका फर्क पड़ता नहीं, पर ये है 5, मान लीजिए ये है 4, तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि 3, 4, 5 का एक पेयर होता है हाइपोटेनस हाइपोटेनस थ्योरम से, ठीक ना। तो इसको इस तरह निकालते हैं 5² = मान लीजिए एक्स है, x² + 4² 25 − 16 = x², यहाँ पे 9 = x², तो x कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, इस यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो साइड कितना आ गया, 1 3 आ गया, 1 4 आ गया, और हमको क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना, 4 × 12 दोनों को इंटू कर दीजिए, वही आंसर का आंसर 12, एक आंसर इसका। दो लगातार पूर्ण संख्याओं का योग 53 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या है ना, कंप्लीट है बेसिकली, होल नंबर है, दो लगातार का होल नंबर का 53 संख्या, तो छोटी संख्या, तो x मान लीजिए कोई x है होल नंबर, तो x तो दूसरा नेक्स्ट वाला क्या होगा, x + 1, तो दोनों का योग आपसे पूछा था, प्लस लगा दिए बीच में, दो लगातार x हो गया, x + 1 हो गया, तो 53 के बराबर है। इसको सॉल्व कीजिए, 2x + 1 = 53, तो 2x = 52, 52 = 26, 26 × 52 होता है, बिल्कुल होता है 26, x की भाग का भाग क्या होगा 26 हो गया, तो हमको छोटी पूछ रहा है, तो छोटी 26 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, दो पूर्णांकों का योग -25 है, यदि एक पूर्णांक 30 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो इंटीजर नंबर है दोनों का -25 आ रहा और एक है 30, तो यहाँ पे -55 होगा, तभी तो उसको प्लस करने पे -25 आ जाएगा, इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। एक व्यक्ति का काम का 5/8 भाग 10 दिन में करता है, तो इस दर पर वह और कितने दिनों में काम पूरा करेगा, तो देख सकते हैं कि 5/8 अगर आप 10 दिन में कर रहे हैं, तो 3/8 कितना दिन में कीजिएगा, x दिन में कीजिएगा, तो डिवाइड कीजिए दोनों, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 3 बचेगा, 6 दिन आ जाएगा, तो 6 दिन में हो जाएगा आपका काम। शेर जानवर है, तो तोता क्या है, पक्षी है। हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, इसमें से क्या निकालना, हॉकी है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस और कैरम, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम, देखिए इन सभी, हॉकी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस, इन सभी में तो आपको स्टिक की तरह या कहिए बॉल भी होता है, इसमें बॉल होता है ना, और कैरम जैसे चीज में बॉल वॉल नहीं होता, या स्टिक होता है कि स्टिक भी इसमें होता है, कैरम में कोई स्टिक नहीं होता है, कोई छड़ी नहीं होती, ये भी देख सकते हैं, दोनों तरह से देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन, 2, 4, 6, 8, 10,
नवा क्वेश्चन है ये आ गया, इसमें हमको वो कर देना है नेक्स्ट क्या होगा, लॉजिक देख सकते हैं। ये किया, इसको ऊपर कर दिया, फिर इधर कर दिया, पहले इस पे हम फोकस कर रहे हैं खाली, ठीक ना। ये इधर है, नेक्स्ट फिगर में क्या हो गया, इधर इधर है, फिर इधर हो गया, अभी हम इस पे फोकस कर रहे हैं बस, ठीक है, इस पे इस पे, फिर ये इधर हो गया, फिर ये इधर हो गया, ठीक ना। तो कहना मुड़ता जा रहा है, ये 90 डिग्री मुड़ता जा रहा है। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक। तो इधर वाला देख लीजिए कौन सा आएगा, ये आएगा, बस एक ही आंसर है इसका। चार आकृतियां देखिए, जिनमें से तीन किसी एक गुण के आधार पर समान और सर्व प्रकार भिन्न है, ठीक ना। तो सभी मतलब जो सबसे भिन्न है उसके बारे में देखना हमें। तो देखिए समय फिगर एक ही है, इसी तरह का फिगर है, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, इसमें देखिए क्लोज हो गया यहाँ पे, तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या बनेगा। वर्ग है, स्क्वायर है, तो उसका भुजा मान लीजिए ए है, तो 50% बढ़ गया, मतलब ए बटा टू टाइम्स बढ़ गया वो, तो नए का क्या हो गया, ए बटा टू प्लस ए, इतना आ गया 3a/2 हो गया, 3a/2 इसका नया हो गया साइड, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3a/2 का होल स्क्वायर, मतलब 9/4a² हो गया इसका नया एरिया, और हमको कितना प्रतिशत निकालना है, तो बट माइनस ए स्क्वायर इनिशियल वैल्यू था, माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 100, ये वैल्यू देगा आपको बता। तो ये 4 - 9 तो ये आ जाएगा आपको 5/4 × 100, 125% इसका एरिया बढ़ जाएगा। अगर एक बस 3 घंटे में 195 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक ट्रेन 4 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करते, दोनों की चाल का अनुमान क्या होगा। तो चाल मतलब स्पीड करना, तो स्पीड करने का मतलब क्या है, 3 घंटे में इतना किलोमीटर, तो पहले वाले का स्पीड कितना हो जाएगा, 195/3, और क्या करना है हमको, दोनों को चाल का अनुपात लेना है। दूसरे का कितना हो जाएगा, 300/4, 300/4, तो इसका रेशियो जो आएगा, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वही इसका आंसर है, ठीक। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। 13वां क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भागफल भाजक का 10 गुना है एवं भाजक शेषफल का 7 गुना है, भाज्य क्या है यदि शेषफल 3 है। तो 3 आपका शेषफल है, मतलब रिमाइंडर आ गया, r=3 दे रखा है, और भाजक शेषफल का 7 गुना है, तो भाजक आपका मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं डिवाइडर, वो 7 गुना है, तो मतलब क्या डिवाइडर, डिवाइडर आपका 21 हो जाएगा, ठीक। और क्या दे रखा, भागफल भाजक का 10 गुना है, भागफल भाजक का 10 गुना है, तो भाजक आपने निकाल दिया डिवाइडर, और भागफल आ गया भाजक का 10 गुना, तो आपको क्या भागफल कितना रहा, मतलब क्वेश्चन कितना रहा, 21 × 10 210 है ना, भाजक का 10 गुना है, तो 210 आ गया क्वेश्चन, और आपको क्या निकालना है, भाज्य क्या है ना, बचा क्या, तो ये होता है डिवाइडर इक्वल टू क्यू इंटू क्वेश्चन इंटू भाज्य जो है वो प्लस रिमाइंडर, तो इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, ये देखिए 21 है, सॉरी ये जो होता है ये थोड़ा फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने, ये होता है आपका जो भाज्य है, वो भाज्य जो होता है वो होता है क्यूसेंट इंटू जो डिवाइडर है प्लस आर, तो क्यू डी, देखिए इसको और इसको कीजिएगा तो 41 आ जाएगा, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 होता है, इंटू 0 + 0 × 0 प्लस रिमाइंडर 3, देख लीजिए 4 4 1 3 इसका आंसर मतलब बी हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा।
ऐसे निकालना। तो माइनस वन को माइनस एक से 100 बार गुना करना है तो क्या गुणनफल होगा? तो सीधा बात है, माइनस एक को 2 बार गुना करने की जगह तो प्लस वन हो जाता है ना। तो 50 में कितना 2 बार होगा गुना, ये 100 बार होगा। मतलब इवन नंबर देखिए तो एक तरह से उसका गुणनफल 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 14 का 1 आंसर। 15 का है, एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? देखिए इसमें ये बोल रहा है, इसमें ये बोला कि 1 रुपए के 2 के हिसाब से खरीदता, मतलब 2 को 1 रुपए में खरीदा। तो एक कितना में पड़ा, मतलब कि 1/2, मतलब 50 पैसे में पड़ा एक कदम, ठीक ना। 3 रुपए में 5 के हिसाब से खरीदा तो एक कदम कितना हो जाएगा नींबू, मतलब 3 सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस आपका 3/5, एक कदम कितना हो जाएगा 3 रुपये और 5 बेचा, 3/5 हो जाएगा। आपका खरीदने का दाम इतना है, कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो आप उसका प्रतिशत लाभ, लाभ यहाँ पे हो रहा है वो देख भी सकते हैं। और मगर क्वेश्चन में दे ही दिया लाभ, तो लाभ निकालिए, तो लाभ कैसे निकलता? सेलिंग प्राइस मतलब 3/5 माइनस कॉस्ट प्राइस 1/2 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस 1/2, परसेंटेज निकालना तो 100 से इंटू कर देंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा इसका, तो सॉल्व करते हैं इसको। तीन बटा पाँच माइनस 1/2 / 1/2, ठीक ना। तो फिर 5 और 10 10 आ जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा, हाँ 6 - 5 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 100 भी आएगा, वो कर लेंगे बाद में। तो ये आ जाएगा 1/10 और ये 2 ऊपर चला जाएगा इंटू 100, परसेंटेज निकाल रहे तो 100 कर देता है, 10 10 तो 20% हो गया इसका आंसर। इसका आंसर आ गया 20%, 20% लाभ हो रहा है यहाँ पर। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न क्या होगा, ठीक ना, आपको ये निकालना। तो ये हो रहा है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस दोनों को इंटू करके प्लस इसमें कर दिया, मतलब का पांचों का इस दोनों को इंटू कीजिएगा तो कितना 20, इस प्लस कीजिए ये 4 24 हो गया, ये 24 यहाँ पर लिखा हुआ। इस दोनों को इंटू कीजिए 25, प्लस 6 कीजिएगा तो 31 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 6 × 7 = 42, इस दोनों को इंटू कीजिए तो 42 आ जाएगा, प्लस इसको 3 कीजिए तो 45 आ जाएगा। जेड उत्तर की ओर 33 किलोमीटर चलता है, वह बाई ओर मुड़ता है तथा 19 किलोमीटर चलता है, वह बाई ओर मुड़ता है और तथा जेड उत्तर की ओर 33 किलोमीटर। तो पहले तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जान के रखिए ना, ये होता है आपका पूरब, ये होता है पश्चिम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मतलब उत्तर दक्षिण, ठीक। तो ऐसे हो गया, तो ऐसे ये हो गया, हमने जान लिया, पता ही होगा आपको। तो जेड उत्तर की ओर मतलब इधर 33 किलोमीटर चलता है, ठीक, वह बाईं ओर मुड़ता है। तो जब इधर आप चलिएगा उधर, तो सोचिए बाएं आपका किधर होगा, इस साइड होगा, इस साइड है ना। बाईं ओर मुड़ता है, 19 किलोमीटर चलता है, इधर 19 किलोमीटर चलता है। और अच्छे से बना लेते हैं इसको, तैंतीस किलोमीटर चला, फिर इधर 19 किलोमीटर चला बाईं ओर मुड़ के, और 33 किलोमीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है तथा फिर बाईं ओर मुड़ता है, मतलब इधर चल रहा था तो बाईं ओर किधर हो जाएगा, फिर इधर 33 किलोमीटर होगा, 33 किलोमीटर यहीं पर आ जाएगा, इसके बराबर ही आ जाएगा, ये भी 33 किलोमीटर है। तो वह आपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु देखिए ये था प्रारंभिक बिंदु, तो अभी कितना है, इतना ये डिस्टेंस, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, इसी के बराबर है, क्योंकि ये भी 33 है, ये भी 33 है, ठीक ना। तो ये 19 हो जाएगा, 19 के बराबर आ जाएगा इसका। तो 17 का 3 आंसर है। 18 निम्नलिखित शब्दों का अंग्रेजी शब्द को उसके आने पर क्रम देख लीजिए, तो इस सब में है तो फिर ओ है तो वो आएगा ही, फिर देख लीजिए एल एम एन, एल वाला पहले आ जाएगा, 5वां पहले आएगा एल एम एन, फिर 4था आ जाएगा, एम आता है पहले, फिर उसके बाद एन आता है, 4 3 5 4 3 से बन जाना चाहिए, नहीं बना, ओ यू यू पी क्यू आर, तो P पहले आता है, 1 आ गया पहले, तो 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
रमन एक पंक्ति में बाई छोर से 18वां स्थान पर, यदि वह पंक्ति में कुल 38 लड़के हैं तो उसका स्थान दाई छोर से क्या है। तो देखिए, रमन एक पंक्ति में बाई छोर से 18वां स्थान है, ठीक। बाई मतलब देखिए इधर, इधर से आप देखिए बाई छोर इतना हो गया 18वां स्थान, उससे फर्क नहीं पड़ेगा बाई या दाई से क्या है, ठीक 18वां स्थान है, ठीक। पंक्ति में 38 है टोटल, मान लीजिए देखिए पांच लोग हैं, तीन लोग पकड़िए, तीन लोग, एक दो तीन, चार लोग पकड़िए, इसको क्या बोलेंगे, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, इधर से कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर ये, और इधर से किसने कौन से स्थान पर, तीन तीसरे स्थान पर बोलेंगे, तीसरे स्थान पर, इधर से दूसरे स्थान पर, टोटल इसको सम कीजिए कितना, पाँच आ जाएगा, लोग कितने, चार है। तो कहने का मतलब एक इसमें एक्स्ट्रा, मतलब उस स्थान पे एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना, मतलब स्थान पे अब बात कीजिएगा तो एक्स्ट्रा आ जाएगा। कहने का मतलब इधर से 18 है, इधर से 38 है, तो टोटल कितना बचा, 20 बचा, तो ये इधर से कितना, 21वें स्थान पे होगा, 39 आना चाहिए टोटल सम, है ना, 38 नहीं 39 आना चाहिए, तो 21 प्लस 18 39 आ गया, ऐसे जैसे इस तरह से हमने यहाँ पे किया, तो 21वें स्थान पे। अक्षरों में कौन से एक समुच्चय को दी गई अक्षर श्रृंखला में, तो बढ़िया देखिए ए आ गया यहाँ पे, देखिए ए ए सी है तो यहाँ पे ए ए सी हो जाएगा, तो यहाँ पे ए आएगा, ठीक। फिर देखिए सी सी बी बी ए है, यहाँ पे सी सी ए सी सी, फिर यहाँ पे सी आ जाएगा, फिर डबल बी ए, फिर यहाँ पे डबल बी ए आ जाएगा, देखिए यहाँ पे फिर से देख लेते अच्छे से इसको, ए ए, फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे डबल बी ए, डबल ए यहाँ पे, डबल ए यहाँ पे, उसके बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी आ रहा है तो यहाँ भी सी आ रहा है, फिर उसके बाद एक और सी यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे भी एक और सी आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या डबल बी है, ठीक, तो डबल बी नहीं पता चल रहा, फिर देखिए देखिए डबल ए है, उसके बाद डबल सी यहाँ पे हो गया, तो डबल ए यहाँ पे आ जाएगा, फिर डबल सी हो जाएगा, ठीक, फिर डबल बी है तो डबल बी यहाँ भी हो जाएगा, अब देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या डबल बी, डबल मतलब डबल ए आ रहा है, फिर डबल सी आ रहा है, फिर डबल बी आ रहा है ना, इस वाले सीरीज में क्या हो रहा है, डबल ए आ रहा है, फिर डबल सी आ रहा है, फिर डबल बी आ रहा है, फिर डबल ए, डबल सी, डबल बी, तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठेगा, डबल ए, डबल बी, डबल सी, इसमें ये ऑप्शन में क्या क्या भरेगा ये बोल रहा, तो यहाँ पे क्या था, सी था, यहाँ पे क्या सी है, यहाँ पे क्या ए है, यहाँ पे क्या बी है, तो सी ए बी, देखिए इसमें सी ए बी हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या है, डबल सी, फिर डबल बी, सी बी, हाँ तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर इतना है, यदि छोटी संख्या इतनी है तो बड़ी संख्या क्या होती है, तो उसमें माइनस कर दीजिए, इसमें और इसमें माइनस कर दीजिए, तो इसमें प्लस कर दीजिए, एक्चुअली दो संख्याओं मतलब उसमें छोटी संख्या ये देगा, मतलब कोई संख्या है माइनस इतना 2, 8, 4, 5 ये करके इक्वल टू आ रहा है 1, 2, 1, 1, 7, 3, यहाँ पे प्लस कर देना, ये संख्या निकालना है तो ये माइनस है तो इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दीजिए, है ना। 22वां क्वेश्चन है, 4 लीटर 1 लीटर 35 मिलीलीटर कितना बचेगा आपका, तो 1 लीटर में कितना होता है मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर होता है ना, 1000 मिलीलीटर होता है, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, तो इसको लिखिएगा 1 लीटर को ऐसे लिख सकते हैं, 1 लीटर 35 मिलीलीटर को लिखेंगे, अगर 35 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किया जाएगा तो क्या होगा, 0.035 लीटर, ठीक है, प्लस 1 कर दीजिए, प्लस 1 कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1.035 लीटर, और 4 लीटर इसमें से माइनस करना है तो माइनस कीजिए, तो 35 माइनस कितना होता, 65 होता है, फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 2.965,
ये आंसर है इसका। राम के पास दो मोटरसाइकिल है, एक मोटरसाइकिल को वह 15% की हानि से पर 34,000 में बेचता है और दूसरी मोटरसाइकिल को वह 15% के लाभ पर इतना रुपये में बेचता है, उसकी कुल हानि अथवा लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक ना, 15% की हानि पर इतने रुपये में बेचता है, दूसरी मोटरसाइकिल को वह 15% के लाभ पर कुल हानि। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स खाली लैंग्वेज है, अदरवाइज कुछ है नहीं। यहाँ पे दे रखा है इसको हानि हो रहा है इतना, तो यहाँ पे इसको लाभ हो रहा है। ठीक है, दूसरे वाले केस में लाभ हो रहा है, दो मोटरसाइकिल है दोनों को बेचा, एक में हानि कमाया एक में लाभ कमाया वो। ठीक, तो हानि, अब देखिए लाभ ज़्यादा है हानि कम है, तो निश्चित तौर पर उसको टोटल मिला के क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि लाभ ज़्यादा है। और लाभ कितना होगा, तो इसको इसे माइनस कर दीजिए, मतलब 5,705,003,400 तो माइनस कीजिए, 5 आ जाएगा, 4 3 2 5 2 3 5 0,000। और ये एक चीज़ बात है, ये जो दिया हुआ है ये एक चीज़ सेलिंग प्राइस है, ये कोई लाभ हानि नहीं है कि इतना लाभ हुआ इतना हानि हुआ, बस इतना है कि आपको लाभ होगा ये, इससे ये पता चल गया। तो ये सेलिंग प्राइस है, तो वाकई में उसको कितना लाभ हुआ ये हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें एक पता, एक फार्मूला पता होता है जो सेलिंग प्राइस होता है। अगर लाभ हो रहा है 15% तो क्या लिखेगा, 100 माइनस 15। देखिए इस क्वेश्चन में ऐसे होगा, देखिए सेलिंग प्राइस क्या होता है, हमें पता है सेलिंग प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, 100 माइनस लाभ परसेंट, यहाँ पे 15 दिया हुआ है, बटा 100 इंटू कॉस्ट प्राइस जो उसका क्रय मूल्य होता है। हमें करना क्या होगा, दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, दोनों को सम कीजिए, फिर दोनों का सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, विक्रय मूल्य दे ही रखा है, तो उसको ऐड कीजिए, फिर दोनों का जो डिफरेंस होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो निकलेगा। यहाँ पे क्या है इसकी, इससे सेलिंग प्राइस आपको पहले केस में दे रखा है 34,085 इंटू कॉस्ट प्राइस, ये आपको निकालना है पहले केस में। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करने पे आपको आता है 85,17,85। देखिए यहाँ पे 17,85 हो गया, 20,85,17,85 यहाँ पे 20 हो जाएगा, 17,85 और ये तो 17 से कट जाएगा, 2,000 इंटू 20 40,000 आ जाएगा। ठीक है, 40,000 मतलब उसका क्रय मूल्य था। ठीक ना, उसको पहले वाले केस में 40,000 रुपया आ गया क्रय मूल्य, पहले केस में 40,000 आ गया क्रय मूल्य। अब दूसरे वाले केस में क्या है, सेलिंग प्राइस 5,705,000, लाभ के केस में क्या होता है, इक्वल टू 100 प्लस लाभ 15 है डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ये हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, ये कितना हो जाएगा, 115। और तो इसको सॉल्व करने भी आपको आ जाएगा, ये देखिए डायरेक्ट 115 को इसके कीजिए, 5 कीजिए, 115 गुने 5 15,50,75,5 एक ही बार में कट गया ये 5, तो 50,000 आ जाएगा। है ना, दूसरे वाले का बाइंग प्राइस 50,000 हो गया, पहले वाले का 40,000 था, टोटल कितने हो गए आपको, 90,000 रुपये, टोटल आपको 90,000 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और सेलिंग टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस, और दोनों को ऐड कीजिए, 37,500 और 34,000 को, वो दोनों को ऐड कीजिएगा तो 9,150,1500 आया सेलिंग प्राइस, तो मतलब कितना आपको 1500 का लाभ हो रहा है। ठीक है, एक और जीरो है दोनों में, एक आयताकार बॉक्स के अंदर माप इतना इतना 106 मीटर, 1 मीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा, प्रत्येक 20 सेंटीमीटर किनारा वाला कितना घनाकार ब्लॉकों को, कितना घनाकार ब्लॉकों को
किनारा ब्लॉक बॉक्स में अंदर रखना, तो ये यही है। इसमें क्या है, आपका एक दे रखा बहुत बड़ा बॉक्स, इसमें एक 1.6 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है और 60 सेंटीमीटर गहरा है। ये 60 सेंटीमीटर गहरा है, ठीक ना। उसमें आप क्यूब लग रहे हैं, छोटा छोटा क्यूब रखेंगे, बहुत सारा रखेंगे तो ये पूरा भर जाएगा। तो यही निकालना है कितना, तो छोटा वाला क्यूब का साइड कितना देगा, 20 सेंटीमीटर। तो करना क्या है, टोटल वॉल्यूम इसका निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर का, एक एक का वॉल्यूम निकालिए, तो जो जो आएगा वो उतना ही बॉक्स लगेंगे इसको, ठीक। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, क्यूब बैठ का 1.6 मीटर, तो इसको 1600 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। और ये 60 सेंटीमीटर गहरा है, तो 60 सेंटीमीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा है, तो कहने का मतलब 100 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया। और एक का है कितना, 20, 20 इंटू 20 इंटू 20, वो एक का वॉल्यूम है, एक का मतलब जितना वो जगह छकेगा वो वॉल्यूम कहलाएगा, है ना। तो इसको कर दीजिए इंटू 20, 20 40, 80, 1 0 चला गया प्लस, ये पूरा कट जाएगा, है ना। तो बचेगा आपका 1000, नहीं 600 बचेगा, 2 × 4 × 8, ये 2 बचेगा, 2 बचेगा सॉरी, और 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे 1600 नहीं होगा, ये 160 ही होगा, 160 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 1.6 मीटर था, 160 सेंटीमीटर। तो सुनना कितना बचा, 1 2 3 सुनना चला गया, 1 2 3 सुनना चला, 1 सुनना बचेगा ऊपर में और 6 × 12, ये यही है। तो 120 इसका आंसर आ जाएगा, तीसरा नंबर। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है, यदि लड़कों की संख्या इतनी है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, कहने के बाद देख सकते हैं। लड़के और लड़कियों का मतलब लड़का मान लीजिए 5x है, लड़की कितना हो गई, 4x, डिवाइडेड ये इक्वल टू कितना है, लड़कों की संख्या 2500 है, लड़कों इतना है 2500, लड़कियों कितना है मान लीजिए कुछ है, ठीक ना। तो ये दे रखा है 5, मतलब 5/4 क्या है, लड़के बटे लड़के, तो 5/4 इक्वल टू 2500 बाई लड़की। इसको सॉल्व कीजिए, 500 पंचों का 20, 2000 इसका आंसर आ जाएगा। 26वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति उसके साथ आ रहे लड़के का परिचय इस प्रकार करता है, वह लड़का मेरी पत्नी की बेटी के पिता का पुत्र है, वह लड़के का उम्र से क्या संबंध होगा, ठीक ना। देखिए, यह लड़का कोई लड़का है, उसकी तरफ संकेत किया जा रहा है, वह मेरी पत्नी की बेटी, मतलब वो पत्नी हो गई, वाइफ, कोई वाइफ हो गई, बेटी, डाउटर, तो मतलब इसकी भी डाउटर होगी, डाउटर उसकी बेटी है कोई, के पिता, उसकी बेटी के पिता का पुत्र है। अब इसका पिता क्या हो जाएगा, यही आदमी हो जाएगा, खुद वो हो जाएगा, ठीक है, खुद हो जाएगा वो, पिता का पुत्र है, मतलब इस लड़के की तरफ जो जिसके तरफ इशारा किया जा रहा था, इस पिता का पुत्र है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, तो लड़का का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो इस लड़का का इस व्यक्ति से क्या संबंध है, पुत्र है, उसका ही पुत्र हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर देख लीजिए, इसको सीरियली, वह लड़का, जैसे कोई एक लड़का है, मेरी पत्नी, मतलब मैं हूँ उसकी पत्नी, पत्नी हुई कोई, उसकी बेटी, तो बेटी इधर आ गई, के पिता, पिता ये यही होगा ना, क्योंकि उसकी माँ ये है, तो पिता वही खुद हो गया, खुद में हो गया, पिता का पुत्र है, तो मतलब ये दोनों पुत्र होगा। वो लड़का उस व्यक्ति से क्या कैसे संबंधित है, उस व्यक्ति से पुत्र है। तो अगला क्वेश्चन 27वां, राज पश्चिम की ओर चलता है, तो पूरा पश्चिम हमने देख लिया था, पश्चिम की ओर चलता है, हर मोड़ पर 45 डिग्री के कोण पर दाएं दाएं और बाएं 3 बार मुड़ता है, तो वह किस दिशा की ओर है। तो इसको ऐसे कर देंगे, वो पश्चिम की तरफ चल रहा है, ठीक,
पश्चिम की ओर चल रहा है पूरा पश्चिम, फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं किधर होगा? इस साइड होगा, ऊपर में होगा, है ना। 45 डिग्री मुड़ता है, ठीक ना, फिर 45 डिग्री मुड़ता है, दो बार दाएं मुड़ गया 45 डिग्री, फिर बाएं 45 डिग्री मुड़ा, मतलब इसी जगह आ गया, ऐसे ही आ गया, तीन बार मुड़ गया, मतलब इसी के स्ट्रेट लाइन में आ गया फिर से वो 45 डिग्री। तो वो कौन सा दिशा है ये देखिए, देख कौन सा दिशा आपको पता चल जाएगा। ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, उत्तर पश्चिम, एक आंसर इसका हो गया। गोराया का जो समन 25 है, सेब का वही समन क्या है? फल है वो, चौथा ऑप्शन। 28वां 29वां क्वेश्चन है, चार आकृति दिन में से तीन गुण के आधार पर है और भिन्न है, और भिन्न आकृति को, तो इसमें यही करना है। तो दूसरा नंबर भिन्न है क्योंकि इसमें दो एरो दे रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक ना, सब में एक ही एरो है, इसमें दो एरो दे दिया, तो इसका अब सॉल्व करना है। 30वां क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, एक एक छोड़ के है, पहला वाला एक एक छोड़ के है, तो एच आई जे आ जाएगा, जे वाला ये भी है और ये भी है, तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट वाले को चेक नहीं करेंगे, बीच वाला को ही चेक करेंगे, एच को, वही अलग अलग है दोनों में, ठीक, तो दोनों में अलग है, तो सी डी ई सब ये भी छोड़ दिया, ई एफ जी एच जी जी एच छोड़ दिया, आई आ गया, तो आई जे छोड़ दो के आ जाएगा, तो एक आंसर हो जाएगा इसका। पांच संख्याओं का औसत 27 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या है? तो पांच संख्या को देखिए क्या है, पांच संख्या टोटल उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 27 उसकी टोटल वैल्यू इतना हो जाएगी, है ना। और यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो माइनस कर देना है इसमें से एक संख्या 25, उस तो अब कितना बच गया टोटल संख्या, 4 बच गया। अच्छा, इसमें औसत 25 हो जा रहा है, ठीक ना, औसत 25 हो जा रहा है, तो 25 तो उस तो मतलब 25 हो जा रहा है, एक सेकेंड, तो ये पहले वाले का इसका योग है, पांच संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 5 × 27, फिर 25 एक और आ जाएगा, तो टोटल 25 औसत आ रहा है, 4 होगा क्योंकि एक संख्या हट चुका है, ये हो गया 100 आपका, ये हो गया 125, मतलब कौन सा एक बच गया, इसमें 4 आ गया, इसमें 5 आ गया, तो इसमें एक बच गया, 25 बच गया, तो 27 × 25 125 नहीं होता, 27 है ये, 2 × 5 = 10, तो ये आ जाएगा 35, है ना, 7 × 5 = 35, ये 35 आ जाएगा ना, 135 आएगा, ये 100 आ जाएगा, टोटल दो आंसर हो जाएगा, 31 का 2, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 169 वर्ग मीटर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी? तो वर्गाकार, तो वर्गाकार का क्षेत्रफल अगर आपको दे रखा है इतना, तो क्यूब का इतना, ये मतलब वर्ग का मतलब स्क्वायर का इतना है, स्क्वायर का क्षेत्रफल होता क्या, साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर 169 है, तो ये 169 किसका होता है, 13 का स्क्वायर होता है, तो मतलब साइड आपका आ गया 13, ठीक, और साइड की, और तो परिमिति कितना होता है, 4 × 13 होता है, क्योंकि टोटल साइड स्क्वायर में कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो एक 1 2 3 4, तो 4 × 1 साइड, एक साइड कितना आ गया, 13, इसका आंसर 52 आ जाएगा। 24 घंटे के प्रारूप में 9:25 है, अब देखिए 9:25 कितना होगा, 24 घंटा का कोई घड़ी है, जैसे रेलवे का घड़ी 24 घंटे का होता है, ठीक ना, तो पीएम है, रात का है, ठीक। अब सुबह जो रात में होता है ना, उस समय से 12 स्टार्ट होता है, तो अगला दोपहर का 12 तक कितना हो जाएगा, पहले तो 12 बीत गया होगा, ठीक, 9:25 इधर आ जाएगा, 12 बीत चुका है, प्लस आपका 9 बज गया, तो मतलब दिन का 9 बज गया, मतलब रात का भी 9 हो रहा है, तो रात का 9 हो गया, मतलब क्या, प्लस 9 कीजिए इसमें, 21 आ गया, और फिर 25 मिनट है, तो 25 मिनट ही रहेगा। संख्या देश के अंक 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 जो है ना, 6/10 हो जाएगा, क्योंकि 0.01 × 10⁻², ऐसे करके होता है इधर पॉइंट के बाद, तो एक आंसर हो जाएगा 34 का 1। 2 मीटर लंबाई तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल रेक्टेंगल है, तो 2 मीटर उसका लंबाई है, 50 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है, उसका क्षेत्रफल क्या है, दोनों को इंटू कीजिए, पर फर्क ये है कि यहाँ पे मीटर थोड़ा अलग है,
देख लीजिए आंसर कैसे में दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर दोनों में दिया हुआ है। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, और ये कितना है 50 सेंटीमीटर। तो 50 × 10 10 हो जाएगा, और 1, 2, 3 इतना सेंटीमीटर होगा, जो कि आंसर में नहीं है। ठीक ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, तो फिर मीटर स्क्वायर करके देख लेते दोनों को। ये पहला है 2 मीटर, और दूसरा ये 50 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है, 0.5 मीटर, मतलब आधा मीटर हो जाता है, 0.5 मीटर × 2 मीटर, तो ये आ जाएगा 1 मीटर, तो एक ये आ जाएगा 1, तो 1 मीटर स्क्वायर इसका आंसर है। एक आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के संबंध में, तो सोना, कार्बन, धातु, देखिए ये सभी धातु है ठीक ना, और सोना जो होता है ना गोल्ड, सोना कार्बन से रिलेटेड नहीं है। अगर यहीं पे डायमंड आ जाता ना बोलते कार्बन से रिलेटेड, क्योंकि डायमंड कार्बन से बनता है ना, सी से कार्बन होता है, तो यहाँ पे सोना है इसीलिए इंडिपेंडेंट वाला बात आ जाएगा। इसी जगह आपको अगर डायमंड आता है ना, डायमंड हीरा, तो काम होता। और एक और बात है, ये मेटल वेटल नहीं है, कार्बन जो है नॉन मेटल है, नॉन मेटल है बेसिकली कार्बन, वो मेटल नहीं है, नॉन मेटल है ना। तो अगर यहीं पर डायमंड आता तो फर्क हो जाता। सचिन और अंजलि शाम को एक दूसरे, तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा, 36 का आंसर चौथा हो जाएगा। सचिन और अंजलि शाम को एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, अगर अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन की बाई ओर थी, अब देखिए दोनों, सचिन इधर देख रहा है मान लीजिए, और अंजलि इधर देख रही है ठीक ना, आमने सामने देख रही है अंजलि, ये सचिन है। अगर अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन की बाई ओर पड़ती है तो सचिन दिशा की ओर मुड़ा हुआ है। अब देखिए भी यहाँ पे हम एज्यूम किए हैं, मान लीजिए ऐसा है, पर ऐसे करने से नहीं होगा। सूरज इधर से आएगा ठीक, सचिन और अंजलि शाम के को एक दूसरे के सामने, तो एक दूसरे के सामने शाम को है, शाम के मतलब वेस्ट साइड से सूरज आएगा है ना ठीक, वेस्ट साइड से सूरज आएगा, इधर से सूरज आ रहा है ठीक, और आमने सामने है। अगर आमने सामने खड़े होकर बात कर रहा है ठीक, अब देखिए सूरज इधर है, एक आदमी इधर होगा, एक आदमी इधर होगा, अब क्या बोल रखा है सचिन की, अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन की बाई ओर थी, अंजलि की छाया सचिन की बिल्कुल बाई ओर थी ना, ये दोनों ऐसे मुड़के होंगे है ना, ऐसे डायरेक्टली नहीं होंगे, ये इधर से सूरज है, ये ऐसे देख रहा होगा, एक ऐसे देख रहा होगा, इसका किसी का बायां इधर, इधर दायां होगा, इधर बायां होगा, इधर दायां होगा, इधर बायां होगा ठीक ना। तो किसका देख सकते हैं, छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी, अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाएं ओर थी ठीक, बाएं ओर मतलब देखिए जो इधर खड़ा है, जो इस साइड खड़ा है, ऐसे देख के खड़ा है, उसका ये लेफ्ट हो गया बाएं, ये राइट हो गया, तो ऐसे खड़ा है उसका लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो गया है ना ठीक, जो ऐसे खड़ा है। तो क्या बोल रहा है, अंजलि की छाया सचिन के बाएं ओर थी, तो छाया इधर इधर पड़ेगा मतलब इस साइड पड़ेगा, तो बाई ओर मतलब इसका लेफ्ट हो गया, ये किसी कोई आदमी है, इसका लेफ्ट ये हो गया, तो इस साइड किसी दूसरे सामने वाले की छाया पड़नी चाहिए है ना,
इसकी छाया इस साइड पड़नी चाहिए, लेफ्ट साइड, क्योंकि इसके इसका लेफ्ट साइड ये है, तो इस वाले लेफ्ट साइड इधर पड़नी चाहिए, ठीक। तो इसकी छाया इधर पड़नी चाहिए, मतलब उस ये आदमी देख रहा है, बोल रहा है सामने वाले का, भाई तुम्हारा छाया मेरा मेरा लेफ्ट साइड में पड़ा, मतलब बाएं साइड में पड़ा, मतलब मेरा बाएं साइड में पड़ा है ना, तुम्हारे नहीं मेरे बाएं साइड में पड़ा, मतलब इसका छाया इधर पड़ा है, इधर छाया के ऊपर 100% पड़ेगा, क्योंकि शाम हो रहा है तो इधर छाया पड़ेगा, इतना है कि इस साइड में छाया पड़ेगा। तो ये क्या बोला, अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर, मतलब ये लेफ्ट साइड में पड़ा है इसकी छाया, तो मतलब ये कौन होगा, ये वाला कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सचिन और ये हो जाएगा आपका अंजलि, ठीक। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सचिन, ये हो जाएगा अंजलि, ठीक ना। तो इसमें यही बोल रखा है, तो सचिन किस दिशा की ओर मुंह करके है, तो सचिन यहाँ पे क्या है, ऐसे मुंह करके है, ठीक ना। तो ये कौन सा नीचे वाला डायरेक्शन को उधर होता है, दक्षिण दिशा होती है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। एक विशिष्ट कोड टीयर्स, ये लिखते हैं लंग्स को, ये लिखते हैं, तो लिखा गया इस कोड में भाषा का, तो देखिए ये सब लिखा हुआ है, अल्फाबेट का नंबर याद होना चाहिए, ए बी सी डी का पोजीशन है, वही सब लिखा है। ये देखिए सिंपल सा, देखिए ए आता है एक नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, इससे भी बन जाना चाहिए, देखिए ए आता है एक नंबर पे, तो मिला लीजिए कौन सा, ए आता है एक, दूसरा नंबर एक नंबर पे आता है, डी आता है 4 नंबर पे, ठीक ना, तो 4 नंबर पे फिर एक नंबर आना चाहिए, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। एन आता है छोड़ दीजिए, ई सबसे लास्ट में आपका 5 नंबर, ठीक है, इतने से ही बन जाएगा, कोई हद से याद करने की जरूरत नहीं है। और शब्दकोश में देख लीजिए, सी ए सी ए ये करना कुछ नहीं, सी ए सी ए सी ए सब में है, तो सबसे पहले एन 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 सब में है, फिर देख लीजिए ए ई पहले आता है, और इसमें कौन सा डी पहले आता है, सॉरी डी पहले आता है, तो चौथा नंबर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, आकृति को बनाना है, ठीक ना। पहले में देखिए 4 साइड है, दो दी गई आकृति में कौन सी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक ना, इसमें ये निकालना है आपको, ठीक। देखिए इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, ये लिया एक फिगर, ये इसको शेड किया, काट के हटा दिया, ये तो ये बच गया, ये लिया फिगर, इतना को शेड किया, काट के हटा दिया, तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा, ठीक ना। तो यही था आपका सेट नंबर 5, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कराना तो कमेंट कीजिए, उसको सॉल्व किया जाएगा, और भी क्या क्या चाहिए, कौन सा किस तरह का वीडियो चाहिए, वो उस पर भी कमेंट कीजिए, और चैनल पर बने लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।